we've done the 7 C's of communication today. Hello, boys. Who will explain? Who will explain the last C? Chayan. Explain the last C, consideration. मैम completeness का मतलब होता है जो पूरा complete हो और clarity का मतलब होता है clear होना चाहिए. Clarity मैम. So sorry मैम. Correctness मैम. Correct होना चाहिए हमारा point. Very disappointing, Chayan. Sit down. Dikshant, you tell me the 7 C's of communication. Ma'am, complete means the sentence which is communicated should be completed, and clarity means sentence should be clear, information should be factful and clear, and consideration means the communicator should take his audience into consideration to make them understand. Very good, Dishant. Impressive. So today we have done this. Thank you. And tomorrow we'll start with new topic. And Chayan, be careful next time. Be attentive. Thank you, ma'am. तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्यों नहीं होना चाहिए? रिजल्ट आ गया है क्या? अरे गुरुवाज की व्यास पूजा है और हम नहीं जा पा रहे ना, तो अब क्या करें? ओ, ये दुख की बात नहीं है? सही बात है. मेरे को तो भूख लगना भी बंद हो गया है. सभी तो आजकल कैंटीन में खाना बासी मिल रहा है. सभी किसानों ने 10 दिन छुट्टी ले रखी है आजकल. तुम लोग क्यों हमेशा ऐसे खेलते रहते? चलो छोड़ो यार ये सब बेकार की बातें. सीपी भाई अपना भोपू निकाल, सबका मूड ठीक किया जाए. प्लीज, हम में से कोई नाचने वाले के मूड में क्या करें? गैस करो. प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुननी है क्या? अरे नहीं, हम सुनेंगे गुरु महाराज का कीर्तन उनके प्रवचनों के साथ. जो भी करना है कैंटीन में चल के करेंगे. हाँ चलो, कहीं लिटिल कमजोरी वजह से बेहोश ना हो जाए. हर वक्त लक्ष्मण का मजाक क्यों उड़ाते हो? सही तो कह रहा है वो, आसपास क्लासेस चल रही हैं, हम लोग यहाँ गेम कैसे खेलेंगे? नैना यार, तुझे नहीं लगता तू हमेशा लिटिल को बचाती रहती है? हाँ भाई, वैसे भी ब्लू प्रजाति को बचाना चाहिए. हाँ अच्छा करो लिटिल का, इसे लुप्त होने से बचाओ, अभियान चलाओ. ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ कमजोरों का साथ. अरे नैना ठीक ही तो कह रही है, चलो चलते हैं अब. चलो चलो चलो, तू निकल मैं आता हूँ. चलो चलो तुम आ जाओ ठीक है. चलो तो मैं तुम सब लोगों को गेम्स के रूल बता देता हूँ. एक थोड़ा सा, अगर गेम से पहले कुछ तीखा हो जाए तो? यार मेरे हिसाब से तो मीठे से होती है, ये तीखे का कौन सा कब आया? अरे यार ब्रह्मांड का सारा मीठा तो इसमें समा गया. अरे इस मोटे के लिए मीठा क्या और तीखा क्या, ये सब खा जा. तुम लोग नहीं सुधरोगे ना. चलो मैं सबके लिए समोसा लेके आता हूँ. मूली मेरे लिए ना 4 समोसा लेके आना. मूली यार मेरे लिए कुछ मत लाना, मैं डाइटिंग पे हूँ. हाँ हाँ मूली इनके लिए मत लाना, ये डाइटिंग पे जो है क्योंकि ना ब्यूटी पेजेंट में जाना है. यार तुम तो बताया नहीं. अरे यार तू छोड़ ना, तेरे हिस्से का भी मैं खा लूंगा. अरे मोटे कभी तो तू डाइटिंग कर लिया कर. इसको बताया नहीं तूने? मैं हर महीने 2 बार डाइटिंग करता हूँ, एकादशी के दिन. हाँ हाँ 2 दर्जन केले, 10 सेब, 2 तरबूज, 1 खरबूज खा के. सुंदर तू भी. अरे नैना कभी कभी चलता है. अरे यार मुझे लग नहीं रहा आज स्पीकर ही बज जाएगा. स्पीकर ही बजेगा, समोसा भी बटेगा और कोल्ड ड्रिंक भी सब पिएगा. समोसा. और अब मैं आप सब लोगों को गेम के रूल समझा देता हूँ. तो सबसे पहले सीपी जो है एक भजन चलाएगा गुरुदेव के ऊपर, उसके बाद हम सब एक क्वेश्चन पास करेंगे एक दूसरे को, और इस गेम का नाम है पासिंग द पार्सल. जिस भी व्यक्ति के ऊपर
जब भजन रुकने पर वो कुशन रहेगा तो उससे गुरुदेव के ऊपर एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो अगर उसने वो प्रश्न का सही आंसर दिया तो वो गेम में बना रहेगा, अदरवाइज उसको फिर ट्रुथ या डेयर में से कुछ चुनना होगा और फिर उसको जो टास्क दिया जाएगा वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबको गेम के रूल समझ में आ गए? गुड। चलाना है तो गेम बिगिंस नाउ। हाँ तो मोनी, आपका पहला सवाल जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में आ रहा है अब, तो आपको बताना है कि गुरु महाराज इस धराधाम पे कब अवतरित हुए थे? इट्स वेरी इजी शर्मा, लेट मी थिंक। 14 अगस्त 1944, वन सेकेंड 1945, 1945, अन्नदाता एकादशी के दिन। And your answer is wrong. Oh no. अच्छा तो तू ये बता कि दिन में कितने और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती है अपने चेहरे के लिए? Oh please, it's all natural. वाह, stop lying यार। मुझे जाना होगा। क्या हुआ मोनी, सब ठीक तो है ना? मेरे सिस्टर के पिंपल आ गए हैं, मुझे जाना होगा। गाइस तुम लोगों को हंसी आ रही है? इट्स अ सीरियस मैटर, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है अपनी सिस्टर को। डॉक्टर के पास कौन जाता है? आई टू लीव गाइस, आई टू लीव, बाय बाय। ए मोनी पागल, रुक ए मोनी, ए रुक ना उसको। यार दीदी से याद आया, मेरी दीदी का एग्जाम है, मुझे उन्हें ड्रॉप करने जाना है। भाई जा रहा है? भाई भाई को अकेले छोड़ के जा रहा है, इसीलिए हमने इलियास का शर्ट और चप्पल खरीदा था। और हाँ, 14 अगस्त 1944 को गुरु महाराज जी प्रकट हुए थे। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। तो बुरा जी, आपके लिए प्रश्न है कि गुरु महाराज के परिवार के सदस्यों के बारे में बताएं। इसका जवाब मुझे पता है, गुरु महाराज की एक माता जी, एक पिताजी है। ये क्या? दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ये बताओ ट्रुथ लोगे या डेयर? ट्रुथ। तो आप बेस में, आपके लिए प्रश्न है, आप बेस में क्या सेवा करने जाते थे? मंदिर तो सिर्फ प्रसाद लेने जाता हूँ। तो ये बात किसी को बताई थी आपने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने एक्सेप्ट किया। तो गुरु महाराज के परिवार में गुरु महाराज के अलावा चार लोग थे, गुरु महाराज के पिताजी जिनका नाम था आनंद स्वरूप खन्ना, उनकी माता जी जिनका नाम है सावित्री देवी, और गुरु महाराज की दो बहनें थी जिनका नाम है निर्मल और तृप्ता। भाई चलो हो गया, जोर ठंडा हो गया, अब चुप बैठियो टेप लगा के, ठीक? इसको बाहर कर दिए ना? हाँ, हाँ, बाहर हो गया, बाहर हो गया। भी उसको पिलर नहीं देंगे। ठीक है चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये चलो, ये मुझसे किसे क्या पूछना है? सर रुक, मुझे सब पता है, मुझे भाई रुक, तू रुक, मैं पूछता हूँ। चल बता गुरु महाराज के पांच किताबों के नाम बता। ये पूछेगा, पूछ पूछ। अब बता ना भाई, बता गुरु महाराज के पांच किताबों के नाम बता। अरे पांच? हाँ बता। अरे 50 बता। अरे रुक बेटे रुक, पांच बता तू। अरे मैं 50 बता। पांच बता यार तू, पांच। मुझे सब पता है। हाँ बता। चल सुनो, सब सुनना, सब सुनना भाई, ध्यान से सुनना, सब सुनना। अरे वो क्या हो, पर्पज ऑफ लाइफ? ओ बेटे, अरे वो, अरे शाबाश भाई। अरे अरे कौन सी पढ़ रहे थे कल? बोलो बोलो, भूल गया, नहीं आ रहा इससे, इससे कुछ भाई से कुछ नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा इससे कुछ नहीं। अरे वो क्या हो, अरे कुछ नहीं आता भाई तुझे, बता सकता है? बता सकता है? नहीं बताएगा, इसको कुछ नहीं आता भाई, मैं जानता हूँ। राज कल ही पढ़ रहे थे, राज। अरे बोल क्या नाम है यार, टाइम दो उसको, टाइम दो, सोचने दो। अरे रिलैक्स, मुझे
अरे नहीं पता। अरे नहीं आकाश को बचपन से साधु संघ यार साधु संघ बेटे से बता दिया बोल बोल महाभारत ओ महाभारत मार बोल दे भाई। अरे नहीं नहीं अरे मुझे पता है मुझे तू हार से ज्यादा पता है मुझे तू हार मान ले तेरा बस की नहीं हो गया भाई हो गया जो ठंडा हो गया कौन बताएगा अब नाम मैं बताऊं हां बताओ क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी पर्पस ऑफ लाइफ फ्रीडम बाय सरेंडर वेव्स ऑफ विजडम और डिवाइन इंस्ट्रक्शन और बताओ नहीं नहीं बस मैंने कुछ सीख 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 कुछ सीख ले मुझे 2 सेकंड और मिलती ना तो भी कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं होगा। अच्छा अब तू ये बता डेयर या ट्रुथ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है डेयरिंग लोग है डेयर ही लेंगे। तू क्या सर्वा मैं इसको डेयर देता हूँ बिल्कुल। चल भाई लगा तू 50 जन बेटे लगा के दिखा बस 50। हाँ भाई 50 500 लगाओ बेटे तू 1000 लगा अभी लगाता हूँ ले। चल भाई सीपी स्टार्ट कर। ठीक है मैं शुरू करता हूँ स्टार्ट नाउ। हरे राम हरे राम। ये चलो बताओ सुनी जी आपके लिए आपका प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि आपको बताना है कि गुरु महाराज के पापा का प्रोफेशन क्या था। गुरु महाराज के पापा शायद इंडियन नेवी में कमांडर थे और हाँ शायद काफी यंग एज से फ्रीडम फाइटर भी थे। और आपको मिलती है गुरु महाराज की कृपा सही जवाब देने के लिए। वेलडन सोनी। सीपी चालू हो जा जल्दी से। ठीक है भाई ये लगाया मैंने टाइमर और म्यूजिक स्टार्ट। कृष्णा 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 हरे 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 सही आंसर बता दिल्ली यूनिवर्सिटी विद डिस्टेंस। देखो यार मैं बता तो रहा हूँ मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है अभी भी अपनी मम्मी के पास ही सोता हूँ। सीपी भाई हाँ अभी जितने जो हार लिए है ना इनको एक तरफ बैठाओ और सेटिंग अरेंजमेंट जरा चेंज करो। चलो भाई चलो पहले उठ चल आजा दोस्त आजा उठ चल मेरा दोस्त जा रहे भाई जा रहे जाना ही पड़ेगा भाई। अब बढ़िया है और ठीक है भाई चल भाई सीपी चालू कर। अब मैं कीर्तन स्टार्ट करता हूँ कीर्तन स्टार्ट नाउ। अरे चीटिंग चीटिंग लिटिल के पास आया। नहीं 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 इसी के पास था लिटिल के पास था लिटिल के पास था लिटिल तुम्हारे पास ही आया था कोई चीटिंग नहीं। सर्वा क्वेश्चन पूछो। चीटिंग क्यों करी चीटिंग पांक। चलो कोई बात नहीं आपका प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि गुरु महाराज ग्रेजुएशन के बाद कहाँ गए और उन्होंने क्या किया। यूरोप गए सोर्बोन यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया पेरिस में और फ्रेंच गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिला है। गलत बताया क्या है? लेकिन तुझे ऐसे कितना पता पढ़ा है मैंने गुरु महाराज के बारे में। शाबाश मेरे बिग लिटिल। थैंक यू दोस्त थैंक यू थैंक यू। चल भाई स्टार्ट करना चार करता दूसरा कितना भी स्टार्ट ना। हरे कृष्णा इधर लिटिल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे इसके विक्रम।
रहा लिख रहा लिख रहा हाँ भाई क्या किया जाए आपका मार दिया जाए छोड़ दिया जाए मार दो मार दो शर्मा इसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अच्छा तो बता विक्रम गुरु महाराज ने मास्टर की डिग्री कहाँ से ली है पता है सीपी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तू मुझसे इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है दैट्स इजी क्वेश्चन मैन मैं जानता हूं रहता है तू मुझे ना पता मैं बताऊं हां मैकग्रिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अब तेरा क्या होगा विक्राल टू या डियर बता डियर डेयर देगा कौन इसको डेयर सीपी डेयर मैं तुम डायलॉग सुना कोई तगड़ा ना गुरियों की बौछार थी न तलवारों की धार थी बंदा डरता है तो केवल भगवान की वार थी मोनी जी आपका दूसरा सवाल पहले में तो आप बच गए थे ये है कि गुरु महाराज पहली बार इस्कॉन मंदिर कब गए थे और कहाँ गए थे बड़ा इजी क्वेश्चन है चुप चुप गुरु महाराज कनाडा गए थे एजुकेशन के लिए वहां पर मैं गुरु महाराज के बारे में इतना भी नहीं जानती कितनी नीच और गिरी हुई हूँ मैं शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैं इतनी छोटी सी बात भी नहीं जानती उनके बारे में मुझे तो यहाँ खड़े रहने का भी कोई अधिकार नहीं है सोने रुक सोने क्या भाई कहाँ जा रही है चली गई सोने दिस इज नॉट गुड यार गाइस मुझे अब लगता है कि हमें ये ट्रूथ एंड डेयर गेम बंद करना चाहिए ताकि किसी को और बुरा ना लगे और हमें सबसे पहले गुरु महाराज के बारे में लाइब्रेरी में जाके जान के आना चाहिए तो चलो पहले सब लाइब्रेरी चल के और गुरु महाराज के बारे में पढ़ के आते हैं आई थिंक ही इज करेक्ट हां पहले पढ़ना चाहिए महाराज जी पहली बार श्रीला प्रभुपाद से 1 जून 1968 में मिले थे जब वे श्रीला प्रभुपाद से पहली बार मिले थे तब स्कॉन के 4 सेंटर थे जिसमें से 3 यूएसए में न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में थे और जहां वो मिले थे वो कनाडा मॉन्ट्रियल स्कॉन था गुरु महाराज ने सबसे पहला सर्विस प्रभुपाद के रूम क्लीनिंग का किया था गुरु महाराज का इनिशिएशन 27 मई 1969 में हुआ जब वो 24 वर्ष के थे गुरु महाराज के दीक्षा के पहले के नाम गोपाल कृष्ण खन्ना था और दीक्षा के बाद प्रभुपाद जी ने इसको चेंज न करते हुए गोपाल कृष्ण दास ही रखा गुरु महाराज ने 1975 तक ब्रिस्टल मायर में जॉब किया था प्रभुपाद ने गुरु महाराज को इंडिया पहली बार 1975 में GBC का मेंबर बनाकर भेजा 75-76 में उनकी सेवा थी इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी को मॉनिटर करना जिसमें जापान फिलिपिन और इंडोनेशिया इंक्लूडेड नहीं थे मुंबई दिल्ली गुजरात हैदराबाद मद्रास और कानपुर के प्रोजेक्ट भी महाराज ने उसी दौरान लीड किए और उसी दौरान महाराज ने मायापुर में भी हेल्प किया 1976 में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु महाराज को मिली भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी बने जो आज भी विश्व की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल पब्लिशिंग हाउस है और आज तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं गुरु महाराज ने मार्च 1976 में USSR में प्रचार करना शुरू किया गुरु महाराज जी ने 1981 में संन्यास लिया और 1982 में दीक्षा गुरु बने अप्रैल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने गुरु महाराज के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर का इनॉग्रेशन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न प्राप्त भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास पूजा पे 125 रुपये का क्वाइन भी रिलीज किया गुरु महाराज के पूरी दुनिया में
35,000 से ज्यादा शिष्य हैं, जिनमें से बहुत सारे कोई राज्यसभा मेंबर है, कोई बिजनेस टाइकून है, कोई एक्टर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंसर है, और ऐसे बहुत सारे बहुत बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे गुरु महाराज के शिष्य हैं। ये हैं इस कॉलेज के प्रोफेसर, जो बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं, और इन्होंने ही इन बच्चों को भक्त बनाया है। हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आप लोगों का क्या हुआ, पैकिंग नहीं करना है क्या? पैकिंग इसलिए सर, अपना मोबाइल चेक करो सर। फ्लाइट टिकट्स सर, यानी कि हम श्रीला गुरुदेव की व्यास पूजा में जा रहे हैं। हाँ, हम सब जा रहे हैं। आपने हमारी फ्लाइट टिकट इसलिए बुक करी है? यस, वी आर गोइंग टू सर। इस तरह इन बच्चों ने व्यास पूजा अटेंड किया। क्या आपने व्यास पूजा अटेंड किया? इस साल नहीं किया, कोई बात नहीं, अगली साल जरूर करिएगा। हरे कृष्णा। अभी हम गुरु महाराज की 14 प्रोमिनेंट इंस्ट्रक्शंस बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फैमिली बिजनेस है, ये किसी भी हालत में करना ही करना है। नंबर 2, एक भक्त को ये विश्वास होता है कि भगवान जो भी करते हैं उसके भले के लिए करते हैं, और भक्त कभी भी कंप्लेन नहीं करते। नंबर 3, एक भक्त जो अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसे प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि शिष्य इतनी सी भी बात नहीं समझ पाते। नंबर 4, कृष्ण में हमेशा मन लगा रहना चाहिए, कृष्ण के लीलाओं और उनके निर्देशों का हमेशा चिंतन होना चाहिए। नंबर 5, माया से बच कर के रहो, अगर हम निर्देशों का सही से पालन करते हैं तो माया से बच कर रहेंगे। नंबर 6, आप इस कौन में कभी भी अकेले नहीं है, आपके पास हमेशा भक्तों का संग है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके पास प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। नंबर 7, एक भक्त न ही किसी की निंदा करता है और न ही किसी की निंदा सुनना चाहता है। नंबर 8, आपके पास सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कोई हो सकता है तो वो है भगवान के पवित्र नाम। नंबर 9, ऑलवेज चैंट एंड पे द प्राइस, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। नंबर 10, अपनी माला करने से, भक्ति योग के नियमों का पालन करने से आप अपने मन को वश में कर पाओगे। नंबर 11, जितना श्रवण करेंगे उतना शुद्ध होंगे। नंबर 12, एक कर्मी की तरह कर्म करते हुए भक्त बनने का दिखावा मत करो। नंबर 13, विनम्रता एक ऐसी हथियार है जिससे हम श्री कृष्ण भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। नंबर 14, एक शिष्य को हमेशा ये सोचते हुए कार्य करना चाहिए कि उनके गुरु उनके सामने हैं, सदैव गुरु के निर्देशों पर चिंतन करें। अगर कोई ये सोचेगा कि गुरु हमारे सामने हैं, तो वो हमेशा सतर्क रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।